से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके फाइटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आज हम सेशन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूनिट जो थर्ड हमारे पास है। तो इसमें आईसीटी टूल्स से रिगार्डिंग आज का टॉपिक है, जिसमें हम दो चीजें यूज करना सीखेंगे आज, बेसिकली स्मार्टफोन्स और सेकेंड वन टैबलेट। स्मार्टफोन एंड टैबलेट आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एज मोस्ट पीपल कैरिंग दम अराउंड। मतलब आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे वो फर्स्ट क्लास में है या वो ट्वेल्थ क्लास में है, आज के दिन जब की ऑनलाइन क्लासेस यूज हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स आज आपको पता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट। जैसे आज के दिन अगर हम कोई भी टैबलेट परचेज करते हैं, तो मोस्टली जो टैबलेट कंपनीज हैं, उन्होंने एनसीईआरटी की बुक अपना सिलेबस तैयार किया हुआ है और उसमें कंप्लीटली सिलेबस डाला हुआ है, जो कि नाइन्थ क्लास से लेके और ट्वेल्थ क्लास तक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन या अपने टैबलेट पे देख सकते हैं। तो ये हमारी डेली एक्टिविटीज, मतलब जो डेली लाइफ है उसका पार्ट हो गए हैं। यूज देम इन द डेली एक्टिविटीज लाइक सेंडिंग ईमेल, मैसेजिंग, शेयरिंग पिक्चर्स। विदाउट दिस मोस्ट पीपल कैन नॉट वर्क विद अदर्स। मतलब अगर ये चीजें आज के दिन अगर हमारे पास नहीं है, तो हम इनके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ एन आइडिया और न्यूज अकरिंग समवेयर इन द वर्ल्ड इज न्यू पॉसिबल थ्रू सोशल साइट ऑफ द इंटरनेट। मतलब कहीं भी कोई भी इंसिडेंट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया साइट्स आपके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाती है। एज लॉन्ग एज वन पर्सन इज एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज अबाउट ए सिचुएशन और सिंपली अबाउट एन आइडियाज। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में पहुंचानी, तो इजिली उसको शेयर किया जा सकता है। विल गेट आउट इन टू द वर्ल्ड, स्मार्टफोन आर नाउ बींग यूज इन स्टे कनेक्टेड विद सोशल मीडिया एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। नाउ अब दैट इज अ स्मार्टफोन। मोबाइल फोन आर आईसीटी टूल आर वर्किंग टॉकिंग टू पीपल्स, बट स्मार्टफोन आर मोर एडवांस। मतलब पहले जो फोन आते थे उसका काम यही होता था कि बेसिकली आप कहीं भी फोन कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन जो स्मार्टफोन है उसका काम जस्ट ओनली नोट रिसीविंग एंड कॉलिंग। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर आज के दिन, कि आप अपने वहां बैठ करके ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं और बहुत सारे इस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। स्मार्टफोन आर ऑल्सो यूज मोबाइल फोन एज यू कैन बी एनीवेयर एट होम, इन ऑफिस और इन द रोड। कहीं भी आप चलते हुए बातचीत कर सकते हैं और मतलब ये चीजें यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, लाइक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का iOS है या विंडोज मोबाइल फोन है, हर एक में अलग अलग आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन टैबलेट। टैबलेट का मोस्टली जो यूजेज है वो बेसिकली आप अगर आप बुक्स वगैरह रीडिंग करते हैं, तो बुक्स वगैरह रीडिंग करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, टैबलेट। आज के दिन जो लेटेस्ट टैबलेट है, इसके थ्रू आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, बुक्स भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारी और एक्टिविटीज कर सकते हैं, मतलब एक मिनी कंप्यूटर हो गया। ए टैबलेट इज ए मिनी कंप्यूटर विद इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग फंक्शन दैट आर ऑल कंबाइंड इन वन टच स्क्रीन। मतलब एक ही टच स्क्रीन पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इट इज बिगर देन स्मार्टफोन एंड यू कैन बी परफॉर्म ऑल द फंक्शंस दैट वन कैन परफॉर्म ऑन कंप्यूटर और ए स्मार्टफोन। नेक्स्ट वन देखिए, अब पॉइंट क्या आता है, क्या क्या चीजें यूज होती है। जैसे टीवी एंड रेडियो, यानी पहले जो जमाना था वो बेसिकली रेडियो का था। रेडियो से हम शिफ्ट होके किस में आ गए, टीवी में आ गए थे, लेकिन अब टीवी और इनकी जगह भी किसने ले ली है, आपके पास बहुत सारी मोबाइल और स्मार्टफोन आ गए हैं। टीवी एंड रेडियो आर बींग यूज एज एन आईसीटी टूल सिंस ए लॉन्ग टाइम। रेडियो इज यूज टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो, वाइल टीवी इज यूज टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन देने के लिए ये दो सोर्सेज यूज होते थे, टीवी एंड रेडियो। मतलब कोई भी मूवीज देखनी है, आपको न्यूज देखनी है, वेदर इंफॉर्मेशन देखनी है, सॉन्ग्स, कार्टून, एजुकेशन, तो वो सब चीजें हम यहां से देख सकते थे। नाउ एप्लीकेशन और एप्स। हाउ डज ए स्मार्टफोन परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस। मतलब एक बहुत सारे फंक्शंस कैसे करता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं। इन सॉफ्टवेयर का मीनिंग उसमें एप्स हैं। ऑन द स्क्रीन स्मार्टफोन और द टैबलेट यू सी ए लॉट ऑफ स्मॉल फीचर्स और आइकन देखते हैं। उन जो आइकन को हम यूज करते हैं बेसिकली, उनको हम क्या बोलेंगे, ऐप बोलते हैं। लाइक गेम खेलना है, कोई मूवी देखनी है, कोई, तो ये सब चीजों के लिए यूज होता है। ऐप आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू आपके पास ये डिजाइन होते हैं दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सम ऑफ ऐप आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द
फोन और टैबलेट, मतलब कुछ टैबलेट में आपके पास कुछ ऐप ऐसी होती हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं, जिनको बोलते हैं डिफॉल्ट ऐप, और बहुत सारी ऐप ऐसी होती हैं जिनको आप परचेज भी कर सकते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल ड्राइव में जाकर के या प्ले स्टोर में जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमनली फाउंड एप्लीकेशन, कुछ फोन में जो नॉर्मल एप्लीकेशन मिलते हैं क्या क्या हो गए, जैसे कॉलिंग करने के लिए फोन में कॉलिंग ऑप्शन आएगा, कैलेंडर ऑप्शन आता है, कैमरा आते हैं, मेल सर्विसेज के लिए आते हैं, तो ये मोस्टली स्मार्टफोन में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। फोटोज, क्लॉक, मैप्स, मैसेजिंग, वेब ब्राउजर, लिसनिंग म्यूजिक, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर्स, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तो स्मार्टफोन का मेन यूज क्या है कि बेसिकली आप कॉल कर सकते हैं, फोटोज वगैरह ले सकते हैं, ये सब चीजें हैं, जबकि टैबलेट का काम बेसिकली ज्यादातर होता है बुक्स रीडिंग करने के लिए, ठीक है। स्क्रीन साइज डिफरेंट होते हैं, स्मार्टफोन स्मॉल साइज में आते हैं, लेकिन टैबलेट फोन का जो साइज होता है वो बिगर होता है इन कंपेयर टू ए स्मार्टफोन। फोटोज एंड वीडियोज देख सकते हैं, बैटरी लाइफ जो है एक लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगी आपके पास बेसिकली टैबलेट के अंदर। स्टोरेज जो है कम विद डिफरेंट स्टोरेज कैपेबिलिटी, और ऐसे ये भी आपके पास काफी आपके पास अलग अलग कैपेबिलिटीज में स्टोरेज डिवाइसेस मिल जाएंगे दोनों के अंदर। नाउ अब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज क्या है, जैसे देखिए एक मोबाइल डिवाइस को स्टार्ट करिए और ये चीजें हैं। फ्रॉम ग्रुप ऑफ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्मार्टफोन एंड टैबलेट अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू स्मार्टफोन एंड थ्री टैबलेट फ्रॉम फाइव ग्रुप, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड करके अपनी चीजें बनाइए, ठीक है, और इन चीजों को केयरफुली यूज करिए, ध्यान से यूज करिए, ठीक है, और इन आइकन्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्पज से यूज होते हैं, इनके नाम लिखिए आप अपने इसमें बॉक्सेस में। तो दैट इज अवर दिस वन सेशन, जिसमें हमने आज ये यूज करना सीखा है कि हाउ टू यूजिंग द स्मार्टफोन एंड टैबलेट, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर दिस वन सेशन, जिसमें आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जिसके आप बेसिकली क्या करिए, प्रैक्टिस करिए।